चलिए रियल एस्टेट का कोई सवाल, मिस्टर पीके सबरवाल। जी हाँ, सबरवाल साहब हाजिर है, हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से कॉल कीजिएगा 4165930055। याद रखिएगा, सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ बस 20 मिनटों के लिए टिल 3:30। तो जल्दी से कॉल कीजिए और आपके सवालों के जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सबरवाल साहब वेलकम, और क्या खबर लेकर आए हैं आप हमारे लिसनर्स के लिए? जी थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। बस एक दो डाटा शेयर करने थे मैंने आपके साथ। एक तो जो हाउसिंग स्टार्ट्स है जो अभी अक्टूबर में हाउसिंग रहा है वो डाउन रहा है 11% फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। 298 के आसपास, 299 के आसपास यूनिट्स थे स्टार्ट के, जो कि कम हो गए, 267 रह गए। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर कनाडा, 11% डाउन रहा है, जिसमें एनुअल पेस ऑफ अर्बन स्टार्ट्स वाज आल्सो डाउन 11%। जो मल्टी यूनिट अर्बन स्टार्ट्स हैं वो 13% कम हुए हैं, और सिंगल डिटैच होम्स ड्रॉप हुआ है 4%। सीएमसी का ये कहना है कि एनुअल पे स्टार्ट जो है डाउन टोरंटो और वैंकूवर में तो हुआ है, लेकिन मॉन्ट्रियल में ये बढ़ा है। बल्कि एक तो हाउसिंग स्टार्ट्स की मैंने बात करनी थी, और दूसरा न्यू होम मार्केट की बात करनी थी, जीटीए की। जस्ट जीटीए की मैंने बात करनी थी कि न्यू होम की जो सेल लास्ट मंथ यानी कि अक्टूबर में वाज डाउन बाय 53% एनुअल बेसिस के ऊपर। 53 ह्यूज रही है, लेकिन 49% डाउन रही है 10 ईयर की एवरेज में भी। इट वाज ह्यूज। और लेकिन अगर आप मंथ टू मंथ देखें तो अक्टूबर स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, सितंबर और अगस्त से ट्रेंड जो है थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आया मंथ टू मंथ बेसिस पे। लेकिन जो मैंने पहले फिगर दी थी वो ईयर ओवर ईयर बेसिस के ऊपर दी थी आपको। ये एक छोटी सी गुड न्यूज है। इसका एक कारण बहुत बड़ा ये माना जाता है कि जो बायर्स हैं दे आर एक्लिमेटाइज टू द न्यू मार्केट रियलिटीज। देखो, एक रियलिटी सामने आ जाती है, उसको समझना शुरू कर दिया कि भाई अब मॉर्गेज रेट्स हाई रहेंगे और अब प्राइजेस सॉफ्ट हो चुके हैं और ज्यादा नहीं होंगे, ये भी एक कारण होता है कि बायर मार्केट में आ जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर, जरूर कॉल कीजिएगा। और सबरवाल साहब, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग मोर, प्लीज हमारे लिसनर्स को आपके सेमिनार के बारे में भी बता दें। जी सेमिनार की तो मतलब मैं खुद बड़ा हैरान हूँ तमरीन जी, हमने जगह बाकी है या नहीं, आई एम श्योर सोल्ड आउट जैसा हो गया होगा। हाँ वही तो, सोल्ड आउट तो तब कहेंगे जब हम बेच रहे हो। यू आर राइट, ये फ्री सेमिनार है। वह ये है कि देखिए, हमने आज 23 से हमने इसकी मार्केटिंग स्टार्ट, एड स्टार्ट करनी थी, बल्कि आपको भी भेजनी थी कि भाई ये सेमिनार के बारे में लोगों को बताएं। सिर्फ मेरे टॉक शो के बेसिस पे दो टॉक शो मैंने किए पिछले वेडनेसडे और उससे पिछले वेडनेसडे, यू विल बी सरप्राइज्ड, 500 से ज्यादा रजिस्टर कर चुके हैं लोग। वाओ, 500। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये हमारी उसकी हॉल की कैपेसिटी 500 है, और मैंने कल उनको बोला है कि साथ वाला एडजॉइनिंग हॉल भी अगर हमें दे दो आप। तो अब क्योंकि अब हमारे ऑफिस में डिसीजन लिया गया कि मार्केटिंग इसकी मत करो बिना किए ही, तमरीन जैसे ही आप हमारे यहाँ बैठी हैं, आपके यहाँ पर इतना बढ़िया रिस्पांस, और हमारे और दो तीन बड़े अच्छे रेडियो स्टेशन से जहाँ पर बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, सिर्फ मेरे टॉक शो से ही 500 लोगों ने रजिस्टर कर दिया। लेकिन अब हम इसको ये डिसीजन लिया है कि 25th मिडनाइट को इसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। हालांकि लिंक खुला रहेगा लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीजन ये है कि दो दिन हमने और इसलिए दे दिए कि हमारे पुराने तजर्बे ने बताया कि एटलीस्ट 10% लोग नहीं आ पाते, कैंसिल कर देते हैं। तो हम 10% का क्वेश्चन रखने के लिए हमने इसको 25th of November मिडनाइट तक खोल के रखा हुआ है। उसके बाद नो एक्सेप्शन, कोई भी आ जाए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक फैमिली से दो मेंबर मैक्सिमम अलाउड है और 18 साल से कम अलाउड नहीं है।
दूसरी बात एक और जो चेंज कर रही है, जिन लोगों ने रजिस्टर किया उनको बहुत जल्दी हमारे ऑफिस से कॉल आ जाएगी और आनी शुरू भी होगी होंगी, पूरा उनको पूरा स्केड्यूल उनको दे दिया जाएगा, आइटनरी दे दी जाएगी। 10 बजे की बजाय 9:30 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने उम्मीद थी कि 300 लोग हम करेंगे, क्योंकि 500 लोग हो चुके हैं तो हमें उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी हम 9:30 स्टार्ट करेंगे और 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन एंड ब्रेकफास्ट होगा। और ब्रेकफास्ट 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारे सेमिनार में लेक्चर्स होंगे, एक मेरी तरफ से होगा ऑन रियल स्टेट एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है और आउटलुक फॉर 2023, प्लस अयाज भांजी जो आपके आते हैं बहुत फेमस हैं और मेरे कुलीग पिछले 22 साल से, उनका लेक्चर होगा, फिर हमारी इन हाउस लॉयर का होगा। ये 11 से 1 तक चलेगा और 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने इंस्टेड ऑफ 45 मिनट्स हमने 1 घंटे का टाइम रखा है फॉर क्वेश्चन आंसर्स। 2 बजे लंच स्टार्ट हो जाएगा, हॉट लंच, और ये सब फ्री है, देयर आर नो चार्जेस, ये सब फ्री है हमारे रिस्पेक्टेड हमारे लिसनर्स जो हमारे इतने सालों से हमारे साथ हैं उनके लिए फ्री रखा हुआ है। तो आप अभी भी अगर आप 25 तारीख तक मैक्सिमम मिडनाइट तक है, उसके बाद हमारा इनविटेशन सबको जाने शुरू हो जाएंगे। जी तमरीन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, नो यू नो शॉकिंग थिंग एट ऑल, मुझे पता ही था कि ये फुल हो जाएगा। आई थिंक आपको और कुछ वीकेंड्स भी इसके लिए डेडिकेट करने पड़ेंगे। हाँ, करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तमीज जी मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मैं बता दूँ कि अगर हम 500 से ज्यादा ना कर सके तो विद इन ए मंथ जो बाकी लोग आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके हम इसको दोबारा रिपीट कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से वो वेबसाइट बता दें जहां पर रजिस्टर कर सकते हैं आप, 25 तक दे कैन रजिस्टर। जी, द रियल एस्टेट सेमिनार डॉट सी ए, द रियल एस्टेट सेमिनार डॉट सी ए, यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वेबसाइट भूल गई है, मेरा नंबर तो याद होगा, मुझे लिंक करके टेक्स्ट कर दीजिए और आपको शो खत्म होते ही लिंक आ जाएगा। मेरा नंबर है 647-299-4757, आई रिपीट 647-299-4757, में आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए फॉर द लिंक और वो आपको लिंक पहुंच जाएगा, द रियल एस्टेट सेमिनार डॉट सी ए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, 416-593-0055। सबरवाल साहब, हाई मॉर्गेज रेट्स की वजह से यू नो लेस इन्वेंट्री इन द मार्केट, बहुत सारी इम्पैक्ट हुई है हमारे रियल एस्टेट पर। अब देखते देखते नवंबर शुरू हो खत्म होने वाला है, शुरू नहीं खत्म होने वाला है, दिसंबर शुरू होने वाली है, एंड नॉर्मली इस वक्त थोड़ा सा रियल एस्टेट एनी वे स्लो डाउन हो जाती है हॉलीडे की वजह से। व्हाट डू यू सी कमिंग अप इन टू द एंड ऑफ द ईयर? देखिए जैसे ही ये नवंबर मिड ऑफ नवंबर के बाद मार्केट कूल डाउन होनी शुरू हो जाती है और अब हम दिसंबर की तरफ जा रहे हैं, दिसंबर तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि जो अलग अलग हमारे सामने जो डाटा और जो हमारे यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से ये मानना है, जैसे कि अभी ब्लूमबर्ग ने अभी एक सर्वे किया था, व्यू पॉइंट दिया था उन्होंने 26th इकोनॉमिस्ट का 4 और 11 नंबर के बीच, उनका ये मानना था कि ये जो आपकी रिसेशन है ये फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर तक चलने की उम्मीद है और ये बड़ी सॉफ्ट रहेगी, ये बहुत सॉफ्ट रहेगी और उसके बाद मार्केट संभलती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कोई भी गूगल करके ये रिपोर्ट देख सकता है। और ये कुछ बातें इसके अंदर और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये माना जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है जो अभी 7 दिसंबर को बढ़ना है आइदर 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट, ये ऑलमोस्ट लास्ट होगा या उसके बाद मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट जनवरी में होगा। ये इनका ये मानना है कि ये जब इन्होंने ये फिगर दी तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कैनेडियन जो हाउसिंग मार्केट है वो इट इज नाउ वाइंडिंग अप, यानी कि अब लगभग इसका बॉटम अप हो चुका है। और जो आपको मैंने पिछले वीक कहा था जो 1.3% सेल पहली बार बढ़ी है फरवरी के बाद ऑल ओवर कैनेडा सीआरई की रिपोर्ट के हिसाब से, ये उनकी रिपोर्ट थी मिस्टर शॉन कैथकर्ट की जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं सीआरई के सीरिया नॉट सीआरई सीरिया कैनेडियन, उनका मानना है कि फर्दर अपस्टिक कुड बी ऑन द वे, यानी
कि अब ये स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की तैयारी आप समझ लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबरवाल साहब, कॉलर्स तो बहुत जुड़ चुके हैं, बट दे वांट टू लिसन टू यू। आई थिंक एक कॉलर है जो आपसे परहैप्स सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ पर नंबर आपको स्टूडियो का फिर से हम दे देते हैं, 4165930055, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो। तो चलते हैं पहले कॉलर की ओर, रेडियो वॉइस। हेलो जी, पीके साहब, आपसे सवाल यह है कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी रेंट करना चाहता हूं तो रियल्टर 1 month का रेंट और HST चार्ज करते हैं, और जो वो जो बंदा आता है जिसको वो टेंट लेके आते हैं, अगर वो रियल्टर के साथ नहीं आया उसको भी 0.5% रेंट चार्ज करते हैं या उसको कुछ नहीं चार्ज करते? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। आपने रियल्टर हायर किया राइट, उसने आपसे 1 month का चार्ज किया राइट प्लस HST, तो आप जो बंदा लेकर आए हैं वो अपना लेकर आए हैं? वो अपने भाई से किसी ने इसको कॉल किया, किसी रियल्टर के थ्रू नहीं आया वो। समझ गया, अपना खुद का है। अगर तो रियल्टर का है तो रियल्टर को आधे महीने का वो रेंट दे देंगे और आधे महीने का आपसे ले लेंगे अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो। अगर ये अपना ही लेके आते हैं तो वो पूरा चार्ज आपसे कर लेते हैं 1 month का, क्योंकि आप अपना लिस्टिंग एग्रीमेंट ध्यान से पढ़िए, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि लिस्टिंग ब्रोकरेज विल चार्ज फ्रॉम यू 1 month रेंट, और उसमें से वो आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अगर उसका अपना ही आगे तो उसमें नेचुरली उसका अपना बन जाता है। या तो उसके एग्रीमेंट को आप ठीक कर दीजिए कि अगर उसका अपना आएगा तो भी आप उसको 0.5 महीने का रेंट ही देंगे, तब तो ठीक है। अदरवाइज आपके रेंटल एग्रीमेंट जो आपका लिस्टिंग एग्रीमेंट है उससे क्लियर साबित होता है कि आप अपने एजेंट को 1 month दे रहे हैं, वो अपने 1 month के रेंट में से दूसरे को बांट रहा है। अगर नहीं बांटेगा तो उसका हो गया। लेकिन भाई साहब, मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, यहां पर ये आपके फायदे की बात बता रहा हूं मैं। आप उसको जरूर रखने दीजिए, उसको 1 month का रेंट दीजिए, आगे की सरदी मत डालिए अपने लिए। क्यों बताता हूं क्यों। अगर आपने उसको आगे बांटने से मना कर दिया या कहा कि अगर तू अपना क्लाइंट लाएगा तो तेरे को मैं आधे महीने का रेंट दूंगा, 1 महीने का नहीं दूंगा, मेजोरिटी ऑफ द रियल्टर्स लेके ही नहीं आएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा, वो अपने क्लाइंट को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल्टर बेईमान है, पर उनके पास ये ऑप्शन है। जैसे कई बार कोई कहता है रियल्टर, मैं तुम्हारा मकान लिस्ट कर रहा हूं और जब मैं अपना क्लाइंट लेकर आऊंगा तो मैं आपसे उसके चार्ज नहीं करूंगा, आप बड़े खुश होकर उसको दे देते हैं, हाँ वेरी गुड, 1% तेरे को मैंने तेरी लिस्टिंग कमीशन दे दी, और अगर तू अपना क्लाइंट लाएगा तो 2.5% मैं तेरे को उसके नहीं दूंगा, वो आपसे साइन करा लेते हैं। पर पता क्या होता है, वो लेके ही नहीं आते। वो कहते हैं मैं अपना क्लाइंट लेके जाऊं टोटल मुझे 1% मिलना है, वैसे मुझे 3.5% मिलना चाहिए, तो वो अपना क्लाइंट दूसरे मकान को दिखा के वो बेच देते हैं, वहां से उसको 2.5% मिल जाता है। ये आपकी खुशफहमी है, या आपकी मतलब डोंट टेक ऑन योर पर्सनली, ये हम लोगों की खुशफहमी, गलतफहमी नहीं, खुशफहमी है। हाँ वेरी गुड, ये अपना क्लाइंट लाएगा तो हमसे लेगा नहीं। अरे लेगा तो तब नहीं ना जब लेके नहीं आएगा, जब लेके आएगा, जब लेके ही नहीं आएगा तो लेगा क्या? नहीं, मेरे साथ ये हुआ है कि वो टेनेंट लेके आ गए थे, सब कुछ हो गया था, तो आखिर में आके मुझे जब पेपर साइन करने लगे तो मुझे रियल्टर ने कहा कि उसने ना कर दी है टेनेंट ने, ठीक है, सब कुछ हो चुका होता। तो जब मुझे फिर बाद में टेनेंट की टेस्ट आया कि तुम्हारे रियल्टर ने मेरे से 0.5 month का रेंट मांगा है, मैं तो किसी के साथ आया नहीं। वेरी बैड, सुनिए, रेंट मांगा है, सुनिए 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 सुनिए, उसको बोलिए कि रिटर्न प्रूफ मेरे लेके आ जाए, आप रिको में कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आपके लिस्टिंग एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि वो आपके लिए क्लाइंट सर्विसेज दे रहा है, आपके लिए, वो दूसरी जगह क्लाइंट सर्विसेज नहीं दे सकता, वहां कस्टमर सर्विस हो सकती है। कस्टमर सर्विस में वहां से कैसे मांग रहा है विदाउट योर परमिशन, आपकी परमिशन जरूरी है। हाँ, तो उस रियल्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया, उसके बाद रियल्टर भी बस उसके बाद खत्म हो गया, खत्म बस। तो मैं ये चला गया ना, अभी ये 4 दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, क्या होगा। लेकिन मैंने टेनेंट को कहा कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता क्योंकि वो तुम उसके थ्रू आए थे, तो उसने कहा मेरे पास प्रूफ है और मैं जो है ना कंप्लेंट करने लगा हूँ, तो वेरी गुड, लेट हिम डू दैट, आई एम वेरी हैप्पी। तुमने जी ऐसे अगर कंप्लेंट वगैरह हो तो जरा सब सुधर जाएंगे, हर जगह कोई ना कोई गंद पड़ा होता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात करते हैं लोग, लॉन्ग टर्म भूल जाते हैं अपनी जिंदगी को। जी सबरवाल साहब, यहाँ पर हम यही पूछना चाहेंगे कि ऐसे जब केसेस आते हैं तो व्हाट वुड यू रेकमेंड, क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या लेने चाहिए लोगों ने? इमीडिएट आप कंप्लेन कर दीजिए रिको को, रजिस्टर्ड काउंसिल ऑफ ओंटारियो। ये कंप्लेन के बगैर काम नहीं चलता, आपकी परमिशन उसको बहुत जरूरी है उसको लेनी, क्योंकि उसको आपसे साइन कराने पड़ेंगे। दूसरे से अगर कमीशन ले रहा है तो आपसे उसको साइन कराने, अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि मैं दूसरी तरफ से कमीशन ले रहा हूँ।
और आप अप्रूव करेंगे तब लेगा, नहीं तो नहीं लेगा वो, क्योंकि उसका फाइडिशरी ड्यूटी, उसकी सारी एथिकल ड्यूटीज, प्रोफेशनल ड्यूटीज आपके लिए है, क्योंकि आपने उसके साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन किया है, आपने उसको हायर किया है, ऐसे कैसे कर सकता है वो आपकी परमिशन के बगैर। तो अपना एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, ऐसे मत होने दीजिए। बड़े केस आते हैं जी ऐसे हमारे सामने, जिंदगी बड़े आए, ये छोटी जिंदगी शॉर्ट टर्म चलने की कोशिश करते हैं और लॉन्ग टर्म भूल जाते हैं, छोटी खुशियां इनको बड़ी खुशियों से वंचित कर देती हैं। जी डेफिनेटली। चलिए हम चलते हैं कुछ और कॉलर्स की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो सोनाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सोनाल सर, ये जो गरीबों के लिए कहीं थोड़ा बहुत सस्ते छोटे मोटे घर बनाएंगे तो उसमें तो ये इन्वेस्टर लोग फिर घुस जाएंगे और उसको लेके किराए पे चढ़ा देंगे, तो सबको किंगस्टन जेल में बंद कर दें? नहीं तो फिर अब उनका उसके लिए सरकार कुछ कर रही है? अभी डेमोक्रेटिक कंट्री क्या कर सकते हैं, या रूल लेकर आए ये लोग? हाँ जी, ये जो है एंड यूजर के लिए होगा, जिसके लिए हम लोग रो रहे हैं। रिको ने भी, ट्रैप ने भी, आप सब लोगों ने अपील की हुई है कि जो ऐसे घर बनाए अफोर्डेबल जिसके अंदर की एंड यूजर रहेगा, और एंड यूजर जो रहेगा उसके अंदर कंडीशन डाल दी जाएगी कि मिनिमम उसके अंदर 2 साल रहेगा। हाँ तो ऐसा कुछ हो रही है, बातें चल रही है। हाँ साहब इतना जबरदस्त डिसीजन ले, देखो बीसी ने भी फॉलो किया हमारे डोंटाइयो को, डगफोर्ड साहब ने कितने जबरदस्त, अब देखो पिकनिक के पास जो ग्रीन बेल्ट सारे ने खोल दिए हाई डेंसिटी मकान बनाने के लिए, कितनी अच्छी बातें हो रही है। थोड़ा देर से उठे हैं और उठे तो रहे कम से कम। राइट, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा सर, लॉ नहीं बनेगा ये इन्वेस्टर छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू जी भाई, लॉ बनाना पड़ेगा नहीं तो इन्वेस्टर तो घुस जाएंगे सर, कोई रोक नहीं सकता, डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, है नहीं चाइना तो है नहीं। जी हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो, हेलो जी। जी आई एम ऑन एयर। जी जी आप ऑन एयर हैं। जी मैं नवीद बोल रहा, मेरा पीके से क्वेश्चन है। हेलो, देखो मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ रेजिडेंशियल कॉन्डो में, तो मुझे एक लॉयर इन्फॉर्मेशन दे रहे कि अगर आप कॉर्पोरेशन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करें, कॉर्पोरेशन के नाम पे इन्वेस्टमेंट करें इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो वो ज्यादा बेहतर है, आपके क्या विश्वास है इस बारे में? अच्छा, लेकिन आपने पीछे से रेडियो शब्द बंद करी है, आपकी आवाज कट रही है, मुझे लगता है पीछे रेडियो चल रहा है आपका। मोबाइल फोन से करो सर रेडियो। हाँ देखिए, कॉर्पोरेशन के नाम से जब आप बुक करते हैं तो बिल्डर को एक आइडेंटिटी चाहिए, जो आपका कॉर्पोरेशन है वो एक नंबर्ड कंपनी या कॉर्पोरेशन, उसमें आइडेंटिटी नहीं है, उसमें उसको साइनिंग अथॉरिटी चाहिए होगा। साइनिंग अथॉरिटी चलो आप हो गए, तो साइनिंग अथॉरिटी की वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, सिर्फ कॉर्पोरेशन के नाम से वो बुक नहीं करेंगे। वन ऑफ द डायरेक्टर्स और वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेशन, उनका नाम वो साथ डालेंगे। अब ये दो नाम आ जाएंगे, एक साइनिंग अथॉरिटी साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन, और एक वन ऑफ द शेयर होल्डर और डायरेक्टर जिसकी जिसकी इन्वॉल्वमेंट इस कॉर्पोरेशन अंदर है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पेपर्स और सारे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल इनकॉर्पोरेशन, ये सारे कागज उनके पास बिल्डर का जमा कराएंगे और दोनों के नाम से चलेगा। बट अब आपकी बात आती है, जब इसकी क्लोजिंग नजदीक आएगी तो आप उसमें आप अपनी असाइनमेंट या उनसे परमिशन लेके कॉर्पोरेशन नाम से क्लोज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड। अब एक थर्ड मुद्दा खड़ा होता है कि क्या लेंडर आपको लोन दे देगा, सवाल ही नहीं उठता। लेंडर आपकी कॉर्पोरेशन के नाम से लोन नहीं देगा, लेंडर भी इंडिविजुअल को किसी को लायबल बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, तो इसीलिए पूरी की पूरी आपकी वर्जिश खराब हो गई। हाँ कॉर्पोरेशन पुरानी है, उसके नाम से 5-10 मकान है और उसके अंदर फिर भी चांसेस ये हैं कि लेंडर उनकी पर्सनल एक गारंटी के ऊपर दे देगा, नाम चाहे ना डाले, वो आपका पर्पस फिर सॉल्व हो जाता है। मुझे पर्सनल गारंटी से मॉर्गेज मिल गई, मुझे HST पे करनी पड़ेगी इस सूरत में, क्योंकि कॉर्पोरेशन के नाम पे HST बिल्डर फिर भी उससे चार्ज करेगा HST? नो, दो किस्म की HST की बात हो रही है। एक तो आप बात कर रहे हैं HST प्योर HST, और एक आप बात कर रहे हैं HST रिबेट, दोनों में से क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं HST रिबेट की बात कर रहा हूँ। हाँ 100% देंगे और आप क्लेम कर लेंगे, सिंपल। अब आइए मैं आपको दूसरी वाला पर्पज भी बता दूं, HST बिल्कुल रिबेट चार्ज करेंगे, उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर वो आपसे आप उसको रेंट पे देके चार्ज कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और इससे भी बेटर बात बताता हूँ, HST रिबेट वाली कहानी खत्म हो जाती है आपके साथ। लेट देम चार्ज HST और HST को आप कॉर्पोरेट के नाम से पूरी, अगर एक कमर्शियल है तो पूरी पूरी HST क्लेम कर लेते हैं एज इट इज, पूरी पूरी HST आपको वापस आ जाती है। अपने अकाउंटेंट से बात करिए।
अच्छा और फ्यूचर में जब बेचूंगा तो मुझे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा या इंडिविजुअल टैक्स लगेगा? अगर कंपनी के नाम है तो कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन एक बात और बात में एक और बात और नहीं निकलाती है, पैसिव इनकम। सर अगर आपकी कॉर्पोरेशन का काम प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना नहीं है तो आपके ऊपर तो टैक्स और भी ज्यादा लग जाएगा, 53% तक टैक्स चला जाएगा कॉर्पोरेशन के अंदर। जरा किसी अकाउंटेंट के साथ बैठ के खुल के बात करिए, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। ये गलत फहमी मत रहिएगा कि आपको 15% टैक्स लग जाएगा। अगर ये पैसिव इनकम वाली कहानी अगर इसके अंदर आ गई, अगर ये बिजनेस इस कंपनी का नहीं है कॉर्पोरेशन का और वो रियल एस्टेट लेके बैठ गई तो आपके ऊपर टैक्स 53% तक चला जाएगा। पहले बात कर लीजिए अकाउंटेंट से। कोई अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, हम चलेंगे बाद में बात करिएगा सर, मेरे को टैक्स मैसेज डाल के बाकी बातें अकाउंटेंट की मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि अभी टाइम कम है। जी मेरे को टैक्स मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको आई विल गाइड यू। ओके थैंक यू। हम चलेंगे एक आखिरी कॉलर की ओर, रेडियो वॉइस। हेलो जी, गो अहेड, आप ऑन एयर है। हेलो जी, हेलो जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मकान रजिस्ट्री के टाइम पे हमने खुद रहना था लेकिन अब हम रह नहीं पा रहे हैं, हमने टेनेंट को दे दिया है, तो सीआरए की तरफ से क्या लायबिलिटी है? आपने इसका आंसर दिया था बट मैं एक बार थोड़ी सी और क्लियर करना चाहता हूं। मैं क्विकली बता देता हूं, इसका आंसर बहुत लंबा है लेकिन मैं बहुत क्विक बताऊंगा, जल्दी समझ लीजिए। पहले बताइए घर रीसेल में लिया था या बिल्डर से लिया था? बिल्डर से। हाँ, आपने क्या उसके ऊपर एचएसटी रिबेट जमा कराई थी कि नहीं कराई थी? नहीं कराई थी, मुझे पक्का पता, नहीं कराई थी ना? नहीं। हाँ, क्यों नहीं कराई थी मैं बताता हूँ, क्योंकि अक्सर आदमी ये सोच लेता है कि क्या पता चलेगा सीआरए को। लेकिन अब आपने इसको रेंट को दे दिया तो मैं इमीडिएटली आपको सलाह देता हूँ कि इमीडिएटली सीआरए को कॉल करो। अगर सीआरए ने आपको कॉल कर दी तो आप परेशानी में आ जाओगे बहुत जबरदस्त। आप सीआरए को कॉल करो और बोलो कि मैंने ये क्लोज किया था। कितने दिन हो गए क्लोज किए को? करीब 2.5 महीने हो गए। बहुत अच्छी बात है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ। सीआरए आपको अभी नहीं पकड़ेगी, सीआरए आपको 2 साल के बाद पकड़ेगी। 2 साल के बाद इसलिए पकड़ेगी कि आपसे पेनल्टीज और एचएसटी रिबेट सब कुछ मांग लेगी और आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते 2 साल के बाद। आपको पता है अब उन्होंने शायद 3 साल कर दिया है लेकिन देख लो 2 साल है। तो आपको इमीडिएटली सीआरए को कॉल करनी है, उनको बोलना कि मेरा आइडिया चेंज हो गया, मैंने एचएसटी रिबेट जमा नहीं कराई थी क्योंकि मेरा विचार वहां रहने का था, अब मेरा विचार बदल गया। क्योंकि कोई भी रीजन दे सकते हो आप, जो भी आपका जेन्युइन रीजन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या आपके एरिया पसंद नहीं आया या स्कूल पसंद नहीं आया, व्हाटएवर, तो मैंने इसको रेंट पे दे दिया है तो इसलिए मेरा एचएसटी रिबेट जमा कराना बनता है। ये कह के सीआरए जिस बंदे से बात कर रहे हो उसकी आईडी ले लो, आईडी नंबर नोट कर लो उसका, और वो जो सलाह देता है वो कर लो। वो कहेगा जी एचएसटी जमा करा दो रिबेट, तो जमा करा दो। जमा कराते ही आपका रेंटल एग्रीमेंट ऑलरेडी है, वो जमा करा के फॉर्म Y-24 भर के और वो क्लेम कर लो, आपको 8 हफ्ते में वो पैसा वापिस आ जाएगा जो आपने जमा कराया। पेनल्टी से बच गए, हर चीज से बच गए। अगर वो ये कहता है जिसके चांसेस बड़े कम है कि नो वरीज, देयर इज नो नीड टू डिपॉजिट नाउ, तो उसकी आईडी वगैरह लेके सब कोई नोट कर लो कि मेरी इस बंदे से बात हुई थी, पर इस चीज के चांसेस कम है। आप खुद वॉलंटरली जाके एचएसटी रिबेट जमा करा दो और अगले दिन फॉर्म 524 किसी लॉयर के थ्रू या अकाउंटेंट के थ्रू भर के वो एचएसटी रिबेट सारा क्लेम कर लो, तो आप सिरदर्दी से बच गए, नहीं तो आप सिरदर्दी में पड़ने वाले हो। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आप सभी के कॉल्स के लिए। और सबरवाल साहब आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे आप? जी बड़ा अच्छा लगता है जब तमीज जी आपके यहाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मेरी भी नॉलेज बढ़ती है, सबकी नॉलेज बढ़ती है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो लोगों को सीखने को मिलता है, मेरी भी कुछ नॉलेज पुरानी वाली रिवाइव हो जाती है तो वो भी जंग लगना शुरू हो जाता है उसको भी। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, थैंक यू वेरी मच तमीज जी एंड थैंक्स टू रेडियो वॉइस, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टेक्ट मी 6472994757, I repeat 6472994757, or you can visit teamsabarwal.com। Seminar का नाम भूलिएगा, plus we are also hiring, बड़ी heavy हमारी चल रही है hiring इस वक्त। If you are motivated, contact me and we'll have a meeting and we'll go from there. Thank you very much, Tamrin ji. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, 6472994757 है नंबर, जरूर सबरवाल साहब को कॉल कीजिएगा and the real estate seminar CA पर आप जाएंगे अगर आपको सेमिनार अटेंड करना है। साथ ही साथ जैसे सबरवाल साहब ने कहा